नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर गैलेक्सी चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनकी बातें आप कैसे सुन सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको आज एक ऐप बताएंगे जिसकी सहायता से उन दोनों लोगों के बीच जो बातें हुई होंगी उन बातों को ऐप रिकॉर्ड करके आपके मोबाइल पे भेज देगा, जिससे उनके बीच हुई सारी बातों को आप आसानी से सुन सकते हैं। तो ये चीज़ें बोलने से अच्छा है आपको दिखा दिया जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं, लेकिन आगे बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हैकिंग करना कानूनन अपराध है और हैकिंग करने का मैं किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं करता हूँ। आप इस ऐप का कोई गलत इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आप इस ऐप का कोई गलत इस्तेमाल करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देखिए, अलाउ करने के लिए मांग रहा है, आप यहाँ पे अलाउ करिएगा। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए यूज कहाँ होगा ये ऐप। जैसे कि मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना चल रहा है तो प्राइवेसी जानना आजकल बहुत, जानते हैं क्या चक्कर है, वो सारी चीजें अब मैं बताऊंगा नहीं, वो समझ लीजिए। तो आप 5 मिनट के लिए फोन मांग सकते हैं, आराम से किसी से मांगेंगे वो दे देगा। उसके में ये ऐप जो है आपको इंस्टॉल करना है। ऐप को कैसे डाउनलोड करना आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल करके करना क्या है, 5 मिनट का कमाल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिए, जो भी कुछ अलाउ करने के लिए मांग रहा है धड़ाधड़ अलाउ करिए। अलाउ करने के बाद देखिए, फिर अलाउ करने के लिए मांग रहा है, फिर अलाउ करिए, फिर अलाउ करिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कॉल करके चेक कर लीजिए, तो कॉल पे क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट में हम आ रहे हैं। यहाँ एक ध्यान दीजिएगा, आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट रिकॉर्डिंग और अनसॉर्टेड रिकॉर्डिंग, वो अपने हिसाब से कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी यहाँ इसके मोबाइल में जो बातें ये करेगा या करेगी उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास कैसे पहुंचेगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, दोनों क्लाउड होते हैं। क्या होते हैं ये चीज आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप मोबाइल में चीजें नहीं रखना चाहते, इंटरनेट पे अपलोड करके रखना चाहते, चाहे किसी भी मोबाइल में आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, इसके लिए इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स लगभग सभी मोबाइलों में दिया रहता है। तो करना क्या है, गूगल ड्राइव में देखिए, गूगल ड्राइव पे क्लिक कर दे ताकि आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पे देखिए, गूगल ड्राइव अकाउंट नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कनेक्ट अकाउंट करना है। कनेक्ट अकाउंट करने के बाद जिस अकाउंट से आपको लेना है, आपको अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड अकाउंट करके कर देना है, ठीक है। ऐड अकाउंट करके आप करेंगे तो वहां पे आपका जो है ईमेल आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा एक आईडी है, उसको ओके कर देते हैं और उसके बाद से ये देखिए अपने आप ले लेगा। लेने से ले लिया, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि हमारे में है, हो सकता है आपके में पासवर्ड मांगे, तो वहां पे आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। क्या करना था आपको हमने बताया था, कनेक्टेड अकाउंट करने के बाद जो है आप जो है इस तरह से डिस्कनेक्ट भी नीचे करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। तो आपका अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा। मान लीजिए कई लोग के पास ईमेल आईडी नहीं होता है, तो ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं उसको देख के तुरंत ईमेल आईडी एक बना लीजिएगा जीमेल वाला, ठीक है। बहुत ही आसान है गूगल ड्राइव का। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंक गूगल ड्राइव लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद से जो चीजें मैं बता रहा हूँ बस उतना ही करिएगा, उसके अलावा मत कुछ करिएगा। सिंक अनसॉर्टेड इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, बस यहाँ का काम फिनिश। अभी आपके जो है मोबाइल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे मोबाइल में कहाँ होता है गूगल ड्राइव, फिर ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम सेटिंग में और कुछ थोड़ी सी सेटिंग करनी उसको ध्यान कर लेंगे। रिकॉर्डिंग में आएंगे, यहाँ पे देखिए एक्टिवेट सर्विस पे रहने दीजिए। यहाँ शो नोटिफिकेशन हटा देना है, इसको इसलिए हटाए हैं कि जब मान लीजिए वो कोई बात करेगा तो उसके ऊपर नोटिफिकेशन ना दिखाए, उसको पता ना चले, ठीक है। और कुछ यहाँ पे करना नहीं है आपको। और नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखते हैं कुछ है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बैक चले जाना है। बैक चले जाने बाद इंटरफेस में आना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बैक चले जाइए। ट्विक्स में आइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे देखिए ये साफ साफ लिख रहा है कि ये ऐप जो है कई मोबाइलों में काम नहीं करता है। तो वो कौन से मोबाइल है, कंपेटिबल फोन लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो बता देगा किस किस मोबाइल में काम करेगा और किस किस में नहीं काम करेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑडियो सोर्स जो है इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फोन कॉल कर देना है। उसके बाद से रिकॉर्ड ऑन कनेक्ट पे रहने दीजिए, इंक्रीज वॉल्यूम। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस तरह की वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो इस नीचे वाले लाल बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बगल वाली घंटी को दबा देंगे तो हमारी सारी वीडियोज
सबसे पहले तक आप तक पहुंच जाएगी उसकी नोटिफिकेशन और आप हमारी नई नई वीडियो से सबसे पहले अपडेट हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, मुफ्त होता है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इसके बाद से आपको ये लाइक वाला बटन दबा के ऊपर जो थम्स का बना है इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर एक अच्छा सा कमेंट दे सकते हैं तो नीचे आके एक अच्छा सा कमेंट यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद से वीडियो को शेयर कर देना है इस शेयर के बटन पे दबाकर। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह, तो इस तरीके से बस इतना सा काम करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, मुफ्त होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सेट डिले रिकॉर्ड टाइम 1 सेकंड या इससे नीचे भी कर सकते हैं, तो 1 सेकंड बहुत है, 1 सेकंड पे चला जाना चाहिए। ठीक है, स्पीकर मोड पे अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसको ऑटो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ कुछ नहीं करना। ऑडियो फॉर्मेट यहाँ कई प्रकार के होते हैं, MP3 एक ऐसा फॉर्मेट है हर जगह हर मोबाइल में चल जाता है, तो इसको MP3 कर लीजिएगा। इसके बाद से नीचे आते हैं, देखते हैं इसमें कोई और चीजें हैं, नहीं है। अब आएंगे बैक स्टोरेज में, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, डिलीट टू ट्रैश, यहाँ पे इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो क्या होता है, कभी कभी अगर मान लीजिए रिकॉर्डिंग डिलीट हो गया तो ट्रैश में चला जाता है। ट्रैश मतलब होता है रिसाइकल बिन, जैसे कंप्यूटर में होता है। तो यहाँ ब्राउज ट्रैश फोल्डर दिया हुआ है, इसमें आपको ये फाइल दिखा देगी अगर गलती से डिलीट हो गया है, और यहाँ पीछे भी आपको दिखाई देगा, हम दिखा दे रहे हैं ट्रैश का फोल्डर कहाँ होता है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ट्रैश दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रैश का फोल्डर है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो फिर सेटिंग में आ जाएंगे, चीजें आप ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स को आपको बता दिया, अभी स्टोरेज में हम आ गए। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे आएंगे, अभी हमको कुछ यहाँ नहीं करना है। डिलीट आफ्टर अपलोड, इसको क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए उस रिकॉर्डिंग उसके फाइल में, जो फाइल मैनेजर होता है उसमें तो रहेगा ही रहेगा, मान लीजिए कभी चेक कर रहा है वहां से पता चल जाए तो इसलिए इसको कर देंगे ना, तो आपके जैसे गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा ये, अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है कहाँ पे ये सेव होता है, देखिए पास में होम पास करके बताया हुआ है। ठीक है ना, तो ये कर देंगे ना तो जैसे ही अपलोड हो जाएगा डिलीट हो जाएगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर आगे आते जा रहे हैं हम, और यहाँ पे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आते हैं, सिक्योरिटी, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे टिक करेंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दीजिएगा। अब उसको कैसे करेंगे आपको बता देते हैं, देखिए अभी क्या होगा। उसके पहले एक चीज आपको बता दे करने से, पहले मोर में आएंगे तो मोर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे। स्टोरेज में देखिए, यहाँ पे स्टोरेज नहीं, सॉरी सिक्योरिटी, यहाँ पे आएंगे पासकोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई पासकोड 1234 मैंने डाल दिया, फिर 1234 करके कन्फर्म कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, देखिए ये छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे हाइड एप्लीकेशन बीटा, इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ध्यान दीजिए खुलेगा कैसे, डबल स्टार टाइप करने के बाद 1234 और डबल हैश टाइप करके जब आप कॉल वाला बटन पे क्लिक करेंगे डायलर पैड में, तभी ये खुलेगा। अब देखिए ये हाइड तो था नहीं ऐप, लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप हाइड हो जाएगा, आपको दिखा रहे हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पे ऐप दिखाई पड़ रहा है, तो इस पे आप क्लिक करके इसमें आ रहे हैं, और देखिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए वो अभी गायब हो जाएगा, कुछ देर में अभी देखिए गायब हो जाएगा, अभी देखिए कुछ देर में गायब हो जाएगा, देख रहे हैं गायब हो गया। अब इसको खोलना कैसे है, तो यहाँ पे आपको डायलर पैड में दबाना है, ध्यान दीजिएगा, डबल स्टार 1234 और डबल हैश करके करेंगे तो ये फट खुल जाएगा। ठीक है, तो इसका बात का आप ध्यान दीजिएगा, वो काम हो गया आपका। ठीक है, तो सारी रिकॉर्डिंग आपके अकाउंट में चली जाएगी, गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव कहाँ होता है, आप मोबाइल में खोलिए, देखिए हर में गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, तो ये गूगल ड्राइव आपको खोलना है, और खोलने के बाद आपको चेक करना है, तो ये गूगल ड्राइव जो है अपने मोबाइल में आपको खोलना है। कैसे खोलेंगे, यहाँ देखिए अकाउंट है, अकाउंट खोल देंगे अपना, और नहीं अगर खुला है तो साइन इन करने के लिए अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, यानी कि जीमेल आईडी और पासवर्ड, यहाँ खुल जाएगा। और यहाँ देखिए कुछ चीजें दिखाई पड़ रही है, तो इस तरीके से आ जाएंगी। तो बेहद ही आसान तरीका है, जल्दी जल्दी हमने इसलिए बताया ताकि कि वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि आप ही लोग वीडियो ज्यादा लंबा देखना नहीं चाहते। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो एक दो बार देखेंगे, समझ में आ जाए। ये वीडियो काफी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है ये ऐप। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अरे यार वीडियो इसको लाइक कर देना पसंद आ गया होगा। कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या वीडियो भाई शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल वाली घंटी को दबा देना अगर इस तरह की वीडियो बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक और इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।